हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक और ट्रांसपोर्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों? जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे, यहां पर आपको जो है पैकेजिंग सीट वगैरह दिखेंगी और मैट्रेस वगैरह दिखेंगे। तो आज जैसे कि मेरे पीछे बैकग्राउंड देखकर आप समझ ही गए होंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पैकर्स मोड्स के लिए जो काफ़ी स्पेशल चीज़ें होती है, यानी कि इस एरिया की बात की जाए दोस्तों, जिनको पैकर्स मटेरियल की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो शायद ही कोई ऐसा पैकर्स मोर्स होगा जिसको इन सर के बारे में नहीं पता है, इन सर के बिजनेस के बारे में नहीं पता। सर का काफ़ी पुराना बिजनेस है और सर ने हमें बताया कि लगभग 20 सालों से इनका ये काम रहा है और सभी पैकर्स मोर्स इन्हें जानते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेशली बात करने वाले इन पैकेजिंग सीट की, जो कि पैकर्स मोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ये प्रिपेयर होती है और कितनी इसकी जो है कॉस्ट है और कैसे आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो मैट्रेस मिलते हैं कौन सी क्वालिटी के मिलते हैं, कितने तरह के डिज़ाइन यहाँ पर मिलेंगे, उसका भी व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और स्पेशली हम सर से बात करने वाले हैं, क्या कुछ डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाता है स्पेशली पैकर्स मोर्स को, या फिर कितना बल्क में अगर आप लेते हैं फिर होल रेट में आपको जो है कितना डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल होगा, पूरी हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक व्यू मैं यहाँ का आपको दे देता हूँ। ये मशीन जो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है मैट्रेस तैयार किया जाता है, गद्दे जो बेड के होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो मेरे चैनल पर तो दोस्तों ऐसी मशीन जो है पहली बार आ रही है, यानी कि कैसे जो है बेड के जो मैट्रेस है या फिर जो गद्दे वो कैसे तैयार होते हैं, उसकी मशीन मैं आपको एक बार व्यू दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो धागे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने मोटे और किस जो कितनी मोटी क्वांटिटी के यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसका व्यू मैं आपको बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों का देने वाला हूँ। अभी ये जो है वर्किंग मोड पे नहीं है, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा करती है, इसलिए हमने इसे स्टॉप करवा दिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की मशीन आपको देखेगी, अलग अलग कलर के यहाँ पर जो है धागे यूज़ किए जा रहे हैं। ये फुली कंप्यूटराइज मशीन और इसमें डिजाइन वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आवर कस्टमर्स, उनको जिस तरह के डिजाइन चाहिए हम उनको दे सकते हैं। ये कंप्यूटर है, ये डिजाइन इस पर सेट हो जाती है, इसके अंदर कम से कम 500 डिजाइन मिलेंगे और यहाँ पे डिजाइन सेट होगी और वहाँ पे वही डिजाइन वहाँ पे चलेगी। ज्यादातर अगर बात की जाए डिमांड में कौन से डिजाइन रहते हैं सर मोस्टली? देखिए अभी आपको कौन सा रंग का शर्ट पसंद है मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो उसी लिए जो जैसे फुटबॉल की डिज़ाइन हो गई, बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन हैं जो आप लोग भी जैसे बिस्तरों जो क्या कहते हैं उसको मैट्रेस आपके भी घर में है, आप भी बाजार में मैट्रेस लाने जाते हो तो आप लेटेस्ट डिज़ाइन ही लेते हो। बिल्कुल। तो हमारे पास में सारे मतलब जो नई डिज़ाइनें आती है वो इंस्टेंटली इमिडिएटली हमारे पास आ जाती है, क्योंकि हम वक्त के साथ और वक्त से आगे चलने की हमारी आदत है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सर, उसीलिए हम अभी ये इसको मतलब काम करने में अग्रसर है। और अभी एक मशीन आ रही है जिसमें हम ये बिना धागे वाली मशीन भी मंगाई है। ओके। अभी उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मशीन आएगी मैं आपको वापस इसी चैनल पे उसका भी प्रोसेस दिखाऊंगा। ठीक है। तो सर कार्गो सीट की अगर बात की जाए तो कार्गो सीट बनाने में कितना टाइम लग जाता है और कितने तरह की जो मतलब जो पैकेजिंग सीट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कितने तरह के तैयार होते हैं, कितने तरह डिज़ाइन है उसके? इसमें डिज़ाइन नहीं होती, इसमें फैब्रिक चेंज हो सकती है। पहले हम लोग इसको बना रहे थे नॉन वोवन फैब्रिक में। okay. और अभी ये वाटरप्रूफ में अम्ब्रेला में जो छतरी में जो कपड़ा लगता है उसके भी अभी ब्लैंकेट बना रहे हैं। उसका एडवांटेज ये है कि नॉन वोवन की जो फैब्रिक है वो आप एक शीट कम से कम 20 से 25 बार इस्तेमाल करते हो। अच्छा। और ये जो अम्ब्रेला की जो है ये कम से कम आप 100 बार इस्तेमाल करोगे, सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट यू कैन यूज़ इन मल्टीपल टाइम्स। एब्सोल्युटली राइट। एंड सबसे बड़ी चीज़ है हमारा जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और इन्वायरमेंट के लिए भी बढ़िया है। आज जैसे जो पुराना जो सिस्टम था कॉरोगेटेड रोल का, हाँ जी, वो कॉरोगेटेड रोल एक ही बार इस्तेमाल होता था, दूसरी बार इस्तेमाल नहीं होता था। बिल्कुल। तो थोड़े लोग होते थे उसको बेच देते थे कबाड़ी के पास ले जाके, थोड़े लोग जला देते थे। जी जी। तो जलाने से अपना पॉल्यूश अपना जो इन्वायरमेंट है अपना तो उस पर इफेक्ट आता था। हमारा ये जो प्रोडक्ट है उसमें इन्वायरमेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इको फ्रेंडली एंड यू कैन यूज़ इन मल्टीपल टाइम्स एंड एवरी टाइम यू कैन सेव मोर देन 60%
एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम माय पैकिंग मटेरियल, दिस इज द बेनिफिट. एंड सेकेंडरी थिंग, यू कैन सेव द टाइम एंड मैन पावर. एब्सोल्युटली राइट सर. सो मैं अब ये जानना चाहूँगा सर, पैकेजिंग सीट के अलावा व्हाट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल डू यू मैन्युफैक्चर और किस तरह के आप जो है बनाते हो? एवरी ईयर हम लोग हर साल एक दो नए प्रोडक्ट बना के लाते हैं हमारी पैकिंग एंड मूविंग इंडस्ट्री के लिए. जैसे कि अभी हमने एक ट्रॉली बनाई है, ट्रॉली जिसका जो तीन आदमी का काम एक आदमी कर सकता है. अच्छा. और उससे आपको मतलब कहीं पर भी ले जाने लाने ले जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल. अगर एक 15 साल का लड़का भी एक अलमारी को उस ट्रॉली पर रख के ले जा सकता है, जबकि एक स्टील अलमीरा को उठाने के लिए कम से कम 3 आदमी चाहिए. और हमारी ट्रॉली के द्वारा एक आदमी उस ट्रॉली अलमारी को आराम से ले जा सकता है. बिल्कुल. ये काफ़ी अच्छी चीज़ सर ने बताई है, यानी कि ट्रॉली के जो मैन्युफैक्चर किया सर ने, ट्रॉली मैं देख भी चुका हूँ और आपको इस वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ मैं. उस ट्रॉली का बेनिफिट ये होने वाला है दोस्तों, यानी कि अगर आपकी जो लेबर है, लेबर अगर कम भी है तो भी उस ट्रॉली के अगर आप लेकर जाते हैं तो किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी सामान को मूव करने में. वो जो सामान है उस ट्रॉली पर आप इजीली मूव कर सकते हैं. यानी कि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर गाड़ी नहीं पहुंचती है और मेन रोड से मतलब 100 मीटर 200 मीटर के लिए जो हमारे जो पैकेज भाई है उनको अलग से गाड़ी करनी पड़ती है. अगर ये गाड़ी करनी पड़ती है और लेबर चार्ज भी एक्स्ट्रा लगता है. अगर हमारी ट्रॉली अगर वो लोग इस्तेमाल करें तो उनका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा. दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके जो क्लाइंट है उनके एक ये संदेश पहुँचता है उनके पास कि आप लोगों के पास मतलब नए नए इक्विपमेंट्स ले चुके हैं आप लोग, ताकि कस्टमर को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिले. बिल्कुल, ये सही बात है सर ने. सर ने बताया कि जिस वे में मॉडर्नाइजेशन जैसे कि जगह ले रहा है, यानी कि जितना मॉडर्न तरीका हम यूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा कस्टमर हमसे जो है इफ़ेक्टिव होंगे, उतना ही ज़्यादा वर्क हमारा आगे बढ़ेगा. बिल्कुल. इसके अलावा जो ट्रॉली की खास बात यह है दोस्तों, वो जो ट्रॉली मैंने देखी थी उसे आप इजीली फोल्ड कर सकते हैं. यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रॉली ज़्यादा जगह घेरेगी या फिर उठाने में भारी है, ऐसा नहीं है. लेकिन वो जो कैपेसिटी, वजन की जो कैपेसिटी है वो लगभग कितना है? वजन 200 किलो तक की वो उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 200 किलो की है. 200 किलो तक आसानी से उठा लेती है. उठा सकती है. ठीक है. इसके अलावा सर, और जो यहाँ पर इसमें हम लोग अभी जो है रेडीमेड कवर्स भी बनाए हैं, जो कि एक पूरा पैकेज है. जिसमें सोफ़ा 3 सीटर, सोफ़ा 2 सीटर, सोफ़ा 1 सीटर, सेंटर टेबल, डाइनिंग चेयर, दीवान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्टील अलमीरा, बेड, बेड बॉक्स, मैट्रेस, साइड टेबल एंड विंडो एसी, अभी इन सब के रेडीमेड कवर्स हैं. और मैच साइज आज के हिसाब से हम लोग टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करते रहते हैं. बिल्कुल. उसके लिए हम लोग फर्नीचर मार्केट भी जाते हैं, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि अभी कुछ साइज में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए. जी. जैसे पहले जब हमने रेडीमेड कवर्स बनाए थे तो उस टाइम में सोफ़ा 3 सीटर की जो लेंथ होती थी वो होती थी 74 इंचेस. अभी हम लोगों ने उसको 78 इंचेस कर दिया है. और हाइट होती थी पहले 34 इंचेस, अभी हमने उसको 36 इंचेस कर दिया है. और वेट होती थी पहले 36, अभी हमने उसको 38 कर दिया है. तो आज की जो साइज़ है वो 78x38x38. ताकि लेदर का सोफ़ा भी हो, चाहे लकड़ी का सोफ़ा हो, चाहे अपन जो नॉर्मल फोम वाले सोफ़े जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो आराम से उसमें फिट हो जाए. इसके अलावा सर, बात की जाए यहाँ पर डिज़ाइंस की, यानी कि ये जो डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, तो अलग अलग डिज़ाइन हम कैसे चूज़ करते हैं सर? कस्टमर अपने अकॉर्डिंग भी आपको डिज़ाइन दे सकता है? हाँ बिल्कुल, दे सकता है. हम यहाँ पे कस्टमर्स को डिज़ाइन दिखा सकते हैं यहाँ पे. अच्छा. अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ. इसमें डिज़ाइन सेट चेंज कर बेटा, डिज़ाइन खाली चेंज कर. इसमें आपको अभी डिज़ाइन चेंज कैसे करते हैं वो भी दिखा देते हैं. अच्छा, इस मशीन के द्वारा डिज़ाइन चेंज हो जाता है? इस मशीन के द्वारा डिज़ाइन चेंज होगी. मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसको एक बार ऑपरेट करना. ओके. तो यहाँ से हम जो है डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं. कंप्यूटराइज सिस्टम है बिल्कुल, कंप्यूटर के थ्रू. इसके अलावा काफ़ी बार ऐसा होता है सर कि होलसेल में ऑर्डर दिए जाते हैं पैकेजिंग सीट्स के, और काफ़ी पैकर्स मोर्स कंपनी जो है अपना लोगो उस पर छपवाना चाहती है,
तो वैसा हम उनकी ब्रांडिंग भी करके देते हैं। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि सर मुझे एक कलर ऐसा चाहिए जो सिर्फ हमारे ही ग्रुप के लिए चाहिए, तो हम वो कलर फिर किसी और को नहीं देते। वो मोनोपोली सिस्टम भी हम हमारे पास में है और हम ब्रांडिंग भी करके देते हैं। लोगो शीट पे प्रिंट भी हो जाएगा, स्टिकर कोई भाई चाहता है कि स्टिकर चाहिए तो स्टिकर भी हम लगवा सकते हैं उस पे। इसके अलावा सर मैंने एलईडी बॉक्सेस आपके पास देखे थे जो कि काफी ज्यादा सेफ है एलईडी टीवीज के लिए। हाँ जी, वो भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम जो है अपने जो एलसीडी के जो बॉक्सेस है उसको हम प्लाई में बनाते हैं और उसके अंदर 30 mm की ईपी फोम शीट पेस्टिंग और की जाती है और उसमें जो है 3 लॉक लगाए जाते हैं। एक लॉक जो सेंटर वाला होता है, जैसे पैकिंग करते समय हमको नहीं पता होता है कि भाई कस्टमर का एलसीडी चालू है या बंद है, हमें नहीं पता होता, तो हमने कस्टमर के सामने उतार दिया और अपने बक्से में डाल दिया और सेंटर वाले में कस्टमर को बोलते हैं साहब अपना एक ताला आप लगा दीजिए जी, ताकि कल जब डिलीवरी होगा, अनलोडिंग होगा, उस समय कस्टमर उस पैकर और मूवर वो भाई को कंप्लेंट ना कर सके कि भाई हमने आपने हमारा टीवी या एलसीडी खराब कर दिया। बिल्कुल, उन्हीं के पास जो है की दे दी जाती है कि कस्टमर का ताला डला है और जब कस्टमर खुद अपना ताला खोलेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होगी, ना कि पैकर एंड मूवर। ये सारी चीजों की सुविधा को मतलब सेफ्टी के नजरिए से रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने सब चीजों को इजाद कर दिया। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग कॉपियर नहीं है, वी आर द इन्वेंटर। हम लोग इन्वेंट करना जानते हैं, हम लोग कॉपी नहीं करते, लोग हमको देख के कॉपी करते हैं। आपका जो है काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मैंने सर काफ़ी पैकर्स मोर से बात की है और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि वो पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से जो है मतलब लेते हैं, तो उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया था, इसीलिए मैं जो आपके पास आया हूँ जी। उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे पैकर्स एंड मूवर्स भाइयों की जी, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विकास। बिल्कुल, ये ज़रूरी है सर। तो पहले हमने इस कॉन्सेप्ट में, जैसे हमने एक आदमी एक व्यापारी को माल दिया और उसके बाद में उसके दोस्त उनसे पूछते, वो उनका रिकमेंडेशन कर देते कि भैया मैंने राजेश अग्रवाल से माल मंगाया हूँ, ये उनका फ़ोन नंबर है। हाँ जी। तो वो मुझे कॉल करते तो मैं बोलता भैया आपको मेरा नंबर मिला कहाँ से, तो उस व्यापारी ने मुझे बताता कि भैया आपके व्यापारी ने फलाने आदमी ने दिया है। तो हम उसको जब चालू किए थे तो जब ना GST था ना VAT था, तो उसका एड्रेस लेते और माल भेज देते थे। जब पेमेंट नहीं आती तो फिर हम उस व्यापारी को फ़ोन करते और उसका रेफरेंस बताते, तो वह व्यापारी उस व्यापारी को फ़ोन करके पेमेंट करा देता। तो इसीलिए ऐसा करते करते आज की तारीख में मैं समझता हूँ सारे भारतवर्ष में करीब करीब 4500 से ज़्यादा पैकर्स एंड मूवर्स को मैं माल सप्लाई करता हूँ। आपसे कनेक्टेड है वो? जी हाँ। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरा सर, आप डिलीवर कहाँ से किस एरिया तक कर देते हैं? सारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। तो दोस्तों ये मशीन अभी जो है चालू हो गई है, जैसा कि मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा शोर करती है, तो इसके प्रोसेस एक बार आप देख लीजिए कैसे जो है तैयार किए जाते हैं, यहाँ पे गत्ते कैसे तैयार किए जाते हैं। ये फोम यहाँ पर देख रहे हैं, इन फोम को लगाया जाता है। इसके अलावा ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये धागे हैं यहाँ पर, जो कि सारे सफ़ेद धागे आपको मिलेंगे लगभग। इसके अलावा दूसरी मशीन आप ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो है फोम है, फोम यहाँ पर तैयार किया जाता है। फोम कैसे बनता है वो आप देख सकते हैं, ये फोम की मशीन है। और इसी प्रोसेस में यहाँ पर मैट्रेस तैयार किए जाते हैं, पैकेजिंग सीट तैयार की जाती है, दूसरे मटेरियल जो होते हैं यानी कि सोफ़ा सीट के जो गद्दे हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर तैयार किया जा रहा है दोस्तों, दोनों मशीन यहाँ पर चल रही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे फोम यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, इसके अलावा जो फिनिशिंग है वो उस मशीन के द्वारा दी जाती है, यानी कि जो गद्दे का डिज़ाइन होगा वो वहाँ पर तैयार किया जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है ग्राउंड प्रोसेस आप देख सकते हैं दोस्तों, कैसे मशीन के द्वारा काम किया जाता है। ये नीचे से फोम जा रहा है, इसके ऊपर ये फिर कपड़ा लगा है,
कपड़े के अलावा ऐसे मशीन से सिलाई किए जाते हैं। ये धागे आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने ज़्यादा क्वांटिटी में धागे लगे हुए हैं और इतना जल्दी जल्दी ये मशीन काम कर रही है। काफ़ी अच्छी सिलाई के साथ उस साइड ये जो है आएगा, उधर से मैं दिखाता हूँ कैसा यहाँ से सिलकर। तो ऐसे दोस्तों पैकेजिंग सीट जो है तैयार की जाती है। मैंने आपको प्रोसेस दिखाई, ग्राउंड वर्क मैंने आपको दिखाया मशीन से किस वे में जो है तैयार की जाती है। दूसरा इसकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो ये वाटर प्रूफ यहाँ पर आपको मिलेगी, यानी किसी तरह का वाटर से जो डैमेज होता है हमारे सामान को वो आपको नहीं होगा। और उसके लिए आपको जो है दूसरा ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा। जो पैकेजिंग सीट आप पहले यूज़ करते थे उसी को जो है एक नए वे में क्रिएट कर दिया गया है, जो कि अब वाटर प्रूफ फीचर के साथ आती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर पैकेजिंग सीट तैयार कर दी गई है रेड कलर के अंदर, जो कि वाटरप्रूफ फीचर के साथ है। और बिल्कुल बाकी प्राइस जानने की कोशिश करते हैं सर से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंजना पैकेज जो है सर ने जैसे कि बताया, लगभग 4500 से ज़्यादा पैकर्स मोर्स के साथ ही इनका जो है कॉन्टैक्ट है, इनसे डायरेक्ट वो जो है सामान खरीदते हैं। इसके अलावा इनके जो सामान को काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाता है, उसी वे में सर को जो है काफ़ी बार इन्होंने जो है यानी कि सर्टिफिकेट के द्वारा इन्हें जो है अप्रिसिएट किया है। किस तरह की सर्टिफिकेट है सर ये? जैसे कि ये आप देखेंगे इंडियन पैकर्स कम्युनिटी के द्वारा बेस्ट सेलर अवार्ड जो दिया गया है अंजना पैकवेज न्यू दिल्ली को, तो ये जो है इंडियन पैकर्स कम्युनिटी ने दिया है। जी कब आपको जो है मिला था सर ये? पिछले 2 साल से रेगुलर मिल रहा है मुझे। आप ही मतलब इसमें नंबर 1 रहे हैं जी? ठीक है। इसके अलावा सर यानी कि आप सामान खरीदना चाहते हैं, काफ़ी पैकर्स मोर्स ऐसे भी है दूसरे एरिया के जो न्यू दिल्ली NCR के नहीं है, वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपसे सामान मंगवा सकते हैं सर? जी ऑलरेडी जाता ही है पूरे हिंदुस्तान में। okay. यार 4500 पैकर्स एंड मोर अकेले दिल्ली में थोड़ी होंगे। नहीं ये बात तो बिल्कुल ठीक है सर। तो सारे भारत में माल जाते हैं हमारा, कभी हम VRL से भेजते हैं, कभी कुछ लोग अपने ट्रक से मंगवा लेते हैं, जिनके भी गाड़ी दिल्ली आती है उनके साथ भेज देते हैं हम। जैसे अभी ये है, ये मीटिंग अभी गई थी हम लोग। अच्छा, इंडियन पैकर्स कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। इसके अंदर में पूरे भारत में करीबन 75 ब्रांचेस है इन लोगों की। अच्छा, ये इनके सारे ग्रुप मेंबर्स की फोटोज है, हाँ, फोन नंबर्स के साथ। ठीक है, ये बिल्कुल जो प्रोफेशनल पैकर्स जी है, ये बाजबता ये कंपनी भी रजिस्टर्ड है, हाँ, जिस पे रजिस्टर्ड नंबर लिखा हुआ है। जी जी, वैसे ही उसी तरीके से ये दूसरी है, ये अभी हरिद्वार मीटिंग में गए थे हम लोग। अच्छा, इसके ग्रुप में भी करीबन 70-75 आदमी जुड़े हुए हैं। ऐसे मेरे पास में कम से कम 7-8 ग्रुप है जिसमें सारे लोग बुलाते हैं हम लोग, और इस तरह से उनके डिजाइन इस तरह से उनकी ये सारे बन जाते। तो सर ये आपका जो काम है मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इतने पैकर्स मोर से आप जुड़े हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा अभी भी कुछ जो है आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर? ये कांटेक्ट डिटेल मेरा है, फोन नंबर से लिख लीजिए 8607664664, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और दूसरा नंबर है 720-618-541। ये दो नंबर है, और ये दोनों नंबर पे आप मुझसे या मेरे बेटे से दोनों से भी आप बात कर सकते हो और आपका माल पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये था अंजना पैकवेज, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी जो है डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यानी कि अगर आप पैकर्स मोर्स का काम कर रहे हैं या फिर आपको जो है मैट्रेस वगैरह चाहिए तो काफ़ी बेस्ट प्राइस में, मार्केट से बेस्ट प्राइस में यहाँ पे आपको मिलेगा, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वालिटी मटेरियल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सर से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि आपको ये जो मशीन है कैसी लगी, जिससे जो पैकेजिंग सीट तैयार की जाती है, मैट्रेस तैयार किए जाते हैं, और कौन सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आया, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन सर से जो है क्रिएट करवा सकते हैं।
बाकी मुझे दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।